अभी मंत्री जी ने समझाने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत यह है अध्यक्ष महोदय, जब 2016 के अंदर यह स्कीम लॉन्च की गई थी तो एक उम्मीद जगी थी लोगों के अंदर कि हर गरीब के छत के ऊपर एक छत रहेगी करके। अब उदाहरण के तौर के ऊपर अगर देखा जाए, जो उत्तर हमें दिया गया है उसमें सिर्फ अकेले मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करते हैं तो 80,000 गरीब लोगों ने इस उम्मीद के ऊपर एप्लीकेशन भरा है कि हम इस स्कीम के अंदर क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन अभी तक जितने घर सैंक्शन हुए हैं 18,178 पूरे महाराष्ट्र के लिए, जबकि सिर्फ अकेले मेरे शहर के अंदर 80,000 बेनिफिशरीज हैं। और इतने सालों के अंदर मंत्री जी, हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, महज 50 लोगों को क्वालिफाई किया गया है। अब ये जितने भी लोग हैं ये स्लम एरिया के अंदर रहते हैं, जिनके घर छोटे छोटे से हैं, जो कंडीशंस डाली गई है वो कंडीशंस वो कहीं पर भी फुलफिल इसलिए नहीं करते हैं, जैसा रजिस्ट्री चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, ये लोग बॉन्ड पेपर के ऊपर कई सालों से उस जगह के ऊपर रहते हैं। अब बॉन्ड पेपर के ऊपर अगर आप कहेंगे कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, ये कई सालों से उसी जगह के ऊपर रह रहे हैं, उनकी जगह है, तो हमारा ये सवाल है कि जो कंडीशंस है वो कंडीशंस के अंदर कुछ रिलैक्सेशन दिया जाने वाला है क्या, या उसको दोबारा रिव्यू किया जाने वाला है क्या? माननीय मंत्री जी,